राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मानती सबको हूँ पर विश्वास किसी में नहीं रखती। तो फिर मानने से अर्थ क्या हुआ? वो इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया है, इतना खुशियों को दिन रात मेहनत करके हासिल करने की कोशिश की, आज सब कुछ है लेकिन फिर भी खाली हाथ खड़ी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? घर परिवार मेरा सब कुछ बिछड़ गया मेरा। कहाँ पति आपके? शादीशुदा हूँ मैं, दो बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। पति है मेरे, वो अपने फैमिली वालों के सिकाए में ज़्यादा चलते हैं, बच्चों को और मुझे नहीं देखते, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण करती हूँ। तो आप अभी किन के साथ रहते हैं? मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ दिल्ली में ही। और पति कहाँ है? नीरज। कहाँ है, कहाँ है? वो अलीगढ़ में। तो आप अलीगढ़ क्यों नहीं रहते? वो देखते वालते नहीं थे, वहाँ पे मारपीट करते थे, लड़ाई दंगा होता था, फिर मैं अपनी जॉब करने लगी, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और दीदी के साथ ही दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, अपना काम करो, अच्छा है, पर पति से दूर रहने में दूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, ऐसा हुआ कि कोई और आ गया उनकी ज़िंदगी में। तो आप छोड़ के चले आएंगे तो वो तो बैठ जाएगी, तो आपको जानना चाहिए था अपना काली का रूप बना के, लेकिन मारना चाहिए उसको। मैंने सब तरह से करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना, आप हार मान गई हैं ये कहो। बेटी है, समझदार है, 10 साल की है, क्या वो पढ़ेगा? बेटी समझदार है, आप समझदार नहीं है। आपकी समझदारी ये नहीं है कि अपने पति को छोड़ के आ जाओ। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस महिला से उसका चक्कर है उस महिला को आप जाके अपना काली का रूप दिखाओ। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, सब कुछ किया, लेकिन कौन है वो महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ करा आपने? मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था, आपके पति को। तो आप उस महिला को आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कंप्लेन की थी तो पुलिस कार्रवाई वगैरह हुई। दो चार मारा नहीं था आपने? मैं खुद मतलब खुद भी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहूं क्या इसको। स्त्रियां यदि लक्ष्मी हैं तो स्त्रियां महाकाली भी हैं। जब पति पर कोई ऐसी पराई नारी ड्योरे डाले तो आपको तुरंत महाकाली का अवतार धारण कर लेना चाहिए, तब पति बचेगा, नहीं ले जाएगा कोई। उसके बाद में भी मैंने उनको मौका दिया रहने का अपने साथ, मैंने कहा तुम्हें मैं फिर भी मौका देती हूं। कोई बात नहीं, पर आपने उनको थोड़ा सा सबक सिखाना था और इसके बाद आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दूर रहोगी तो पति सदा के लिए चला जाएगा। अभी जाओ और अपने पति को समझाओ, लाओ कथा में लाओ, हम समझाएंगे, ठीक है? बात बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। आप दूर रहें, विश्वास अब समझ में नहीं आता। मैंने हर देवी देवता की बचपन से बहुत देवी देवता का बेटा इसमें काम ही नहीं है। आपने देवी देवता का क्या काम है, क्या करेंगे देवी देवता? बहुत पूजा पाठ सब चीज किया, बहुत मेरा दिल को ठीक है। भगवान की भक्ति अलग विषय है, ईश्वर की भक्ति इस। अब आपको भगवान ने समझदार बनाया है ना? हाँ या ना? बनाया है तब तो अपने दो बच्चों का पालन कर रही हो। तो जब समझदार बनाया है, आपकी बेटी पे कोई संकट आएगा, बेटे पे तो आप खड़ी नहीं हो जाओगी। तो आपके पति पे संकट आया तो क्यों भाग के चली आई? अब इसमें भगवान क्या करेगा? लेकिन वो अपने घर वालों के उनके सिकाए में चलते हैं, मतलब वो मेरी सुनते भी तो नहीं। तो 10 साल में आप कुछ ना सिखा पाई अपने पति को? नहीं सुनते हैं मेरी बिल्कुल भी। सुनेंगे, सुनेंगे, ये हारना नहीं, नहीं सुन रहे हैं ये अलग विषय है। कोई बात नहीं, पत्नी हो छोड़ के जाना समस्या, रुक जा बेटा, छोड़ के जाना समस्या का समाधान नहीं है। आप भगवान को मानो ना मानो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप अपनी गृहस्थी तो बसाओ। और भगवान किसी की गृहस्थी उजाड़ते नहीं है। आपके अपने गलत निर्णय, आपकी अपनी गलत सोच, उसके संस्कार। अब पति आपका गलत रास्ते पे चला गया, इसमें भगवान का क्या दोष है? इसलिए भगवान की भक्ति अपने को करना है, शांति मिलती है आनंद के लिए, लोक परलोक के लिए। आप नहीं मानते, मेरा कोई फोर्स नहीं है आपके लिए, पर आप पहले अपनी गृहस्थी बसाओ और तब बसेगी। जब जाओगे, बात करोगे उस महिला का, आप ही काली बन करके अपना रूप दिखाओ और उसे वहां से हटाओ और आप अपने पति को। मैं इसीलिए अलीगढ़ आई थी अपने भैया भाभी के यहाँ पे, उनसे बात करी मैंने, अपने जेठ से भी बात करी। आप सीधा जाओ अपने ससुराल में रहो ना, आपको भगा के थोड़ी लाया था, आपको तो शादी करके लाया था।
तो रहो अपनी ससुराल में, आपका घर पत्नी का घर पति का ही घर होता है। आप अपने से जॉब करोगी, अपने से कमा जिंदगी तो सब गुजार लेंगे। कुछ नहीं करते वो, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर में लड़ाई दंगा दारू पीना ये सब चलता उनका। आप उनको हमारे पास लेके आना, आपके भाई की शराब छूट गई कि नहीं, इनका जीवन सुधर गया कि नहीं, तो जब इनका सुधरा तो आपके पति का जरूर सुधरेगा। आप विश्वास नहीं करते भगवान पे, लेकिन जिस दिन आपके पति सुधर जाएंगे ना, आप जरूर विश्वास करेंगे। आप लेके आइए, आपके पति को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। राधे राधे। राधे राधे।